हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा रूपी ट्राइब ऐप का। रूपी ट्राइब ऐप एक तरह का इंस्टेंट लोन ऐप है और ये एक नया लोन ऐप है और ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे और गूगल पे सर्च करने के दौरान दिख जाएगा। ये आपको 2000 से 60000 तक का लोन दे देगा ऐसा इसका कहना है और एक साल मैक्सिमम टाइम दे सकता है लोन रिपे करने के लिए। इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बताता है और लोन लेने के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपना अमाउंट और लोन पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी, फिर लोन रिव्यू में जाएगा, उसके बाद लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा, ये इनका कहना है। और इन लोगों ने कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे रखा है, एक लिंक दे रखी है और रिव्यू में आप देखेंगे तो आपको रिव्यू दिख जाएंगे, ज़्यादातर आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ दिखेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर जाकर हम अपनी डिटेल्स दें कि ना दें, ये हमें लोन दे रहा है कि नहीं, ये कैसा ऐप है तो ये एक नया लोन ऐप, क्या ये वाकई में कोई धोखाधड़ी कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, ये हमें लोन मिल जा रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब आप यहाँ पर जाकर अपनी डिटेल्स फिलअप करेंगे और अप्लाई कर देंगे तो ये ऐप सही से काम नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी, जैसे कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाएंगे या फिर ओटीपी रिसीव नहीं होगा, ओटीपी ही नहीं आएगा तो आप आगे भी नहीं पढ़ पाएंगे या फिर ऐसी सिचुएशन में आप अटक जाएंगे तो आपका लोन नहीं आ पाएगा। और अगर आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया तो तब भी आपको लोन नहीं मिलेगा, ये आपको धोखाधड़ी करेगा, ये आपका डेटा ले लेगा और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके अकाउंट में 7 दिन वाला लोन डाल दे। तो अभी ये यही कर रहा है कि आपका डेटा ले ले रहा है और आपको कोई लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये आपको लोन देने वाला ऐप नहीं है। अगर आपने इसको डाउनलोड किया तो आपका डेटा जा सकता है और अगर इन लोगों ने ज़बरदस्ती लोन आपके अकाउंट में डालना शुरू किया तो उसके बाद ये आपको परेशान करेंगे क्योंकि आपका डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट इन लोगों के पास पहुँच जाएगी और फिर ये न्यूड मैसेजेस सब कुछ भेज सकते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में, फ्रॉड लोन मैसेजेस, आपको बदनाम करने के लिए वो हर एक चीज करेंगे ताकि आप लोन रिपे कर दें। तो ये अगर लोन देगा तो आपको 7 दिन वाला लोन देगा या तो नहीं देगा, तो यही इसका काम है। ये धोखा देने वाला ऐप है, लोन देने वाला ऐप नहीं है, ये एक सस्पिशियस ऐप है, रिस्की ऐप है, फेक ऐप है, तो इससे दूर रहें, इसको डाउनलोड भी ना करें। अगर इन लोगों ने जबरदस्ती का पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया उसके बाद आपकी परेशानी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे केस में आपको कोई रिपेमेंट नहीं करना है, आपको साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन करनी है, आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पर कंप्लेन करनी है, आपको RBI को रिपोर्ट करनी है, आपको गूगल प्ले स्टोर को रिपोर्ट करनी है ताकि इस तरह के ऐप हट सके। और एक वार्निंग मैसेज अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर डाल दीजिएगा ताकि उन लोगों को पता चल सके कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको बताना पड़ेगा कि आपका डेटा हैक हो चुका है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक हो चुकी है और गलत सलत लोन मैसेजेस और न्यूड पिक्स आ सकती है, तो कृपया करके उस नंबर को ब्लॉक कर दें। एक बार आपने नंबरों को ब्लॉक करवा दिया अपने कॉन्टैक्ट से, उसके बाद आप इनको जिस भाषा में जवाब देना चाहते हैं दे सकते हैं, या आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस ऐप से दूर रहें वरना आप परेशान रहेंगे, आपका डेटा भी जाएगा या डेटा और पैसा दोनों जाएगा और हैरेसमेंट तो हो के रहेगा। तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।